बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं स्टिल लाइफ। इसका पार्ट टू हम देखने वाले हैं कलरिंग वर्क। इसको किस तरह कलर करना है ऑयल पेस्टल से, इसके बारे में हम मालूमात लेंगे। इसके लिए ज़रूरी आर्ट मटेरियल है पेंसिल, स्केच पेन, रबर और ऑयल पेस्टल्स। सबसे पहले आपको आपके पास जो भी साइज का पेपर है उसके बराबर स्केल के सहारे चार हिस्से करने हैं, कुछ इस तरह। एक आड़ी लकीर और एक खड़ी लकीर करके। चार हिस्से इसलिए क्योंकि हर हिस्से में आपको एक बर्तन बनाना है। जैसे मैंने पहले हिस्से में यहाँ देखो बकेट बनाई है, दूसरे हिस्से में मग बनाया है। याद रखना है जितने भी हिस्से में आप ड्राइंग बना रहे हो उसके हिसाब से ड्राइंग बड़ा दिखना चाहिए, एकदम छोटा बर्तन नहीं बनाना है। देखो यहाँ के आखिरी के हिस्से में मैंने एक कटोरी और दो चम्मच बना दिए हैं। पेंसिल का काम ख़त्म होने के बाद आपको इस तरह उसको स्केच पेन से बॉर्डर करनी है पूरे ड्राइंग को, कुछ इस तरह। अभी इसका कलरिंग का जो तरीका है वो आपको वीडियो के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ। देखो कलर का तरीका देख लीजिए आप। देखो सबसे पहले जो बताया था उस तरह बराबर आड़ी और खड़ी लकीर बना के पेपर के चार हिस्से बना दिए। पहले हिस्से में कोई भी एक बर्तन, जरूरी नहीं है कि यहाँ बकेट बनाया है इसीलिए आपको भी बकेट ही करना है, आप कोई दूसरा भी बर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आपको किस तरह एक हिस्से में जितनी जगह मिल रही है बर्तन बनाने को उतने हिस्से में वो बर्तन बड़ा दिखे, इतना बड़ा बर्तन बनाना है, एकदम छोटा सा नहीं बनाना है। और कम से कम चार बर्तन बनाने ही हैं एक पेपर पे, उससे ज्यादा करेंगे तो भी चलेगा। कोशिश करें कि बड़े बड़े बर्तन बने। ज़्यादा बर्तन बनाते वक्त याद रखना है वो बर्तन उसका ओरिजिनल आकार भी बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ कटोरी बनाई है तो बाजू में जगह बची थी वहाँ पे चम्मच बना दिए। इस तरह सभी जगह ज़्यादा भीड़ करके बर्तन नहीं बनाने हैं। देखो उसके बाद हम स्केच पेन से उसको बॉर्डर करेंगे। स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बहुत संभाल के बॉर्डर करनी है क्योंकि एक बार पेंसिल के लकीर में अगर गलती हो गई तो कम से कम उसको हम मिटा तो सकते हैं रबर से, लेकिन स्केच पेन की लकीर हम बाद में मिटा नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको बहुत संभाल के स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। देखो ये स्केच पेन से बॉर्डर बन गई। अभी देखो बकेट कलर करने के लिए मैंने ब्लू कलर चुना है, लेकिन उसमें भी मैंने ब्लू कलर के कम से कम तीन या चार कलर लिए हैं, मतलब डार्क ब्लू, मीडियम ब्लू, लाइट ब्लू, उससे भी लाइट कलर का ब्लू, इस तरह। सबसे पहले मैं डार्क कलर से शुरुआत की है, मतलब जिस तरफ से हमको परछाई दिखानी है वहाँ से काम शुरू करना है। देखो पहले डार्क दिया है, उसके बाद उसमें ही मिला के आगे उसको हल्का सा फीका ब्लू भी मिलाया है। और याद रखना है ये काम करते वक्त बराबर बकेट के अंदर की तरफ भी उससे उल्टा काम करना है, मतलब जिस तरफ आपने बकेट के ऊपर डार्क किया है बराबर उसकी उल्टी तरफ आपको बकेट के अंदर करना है, क्योंकि बकेट के अंदर भी रोशनी जाएगी इसीलिए उसके अंदर उल्टा रोशनी और परछाई दिखेगी। ये देखो इसको इस तरह करना है। देखो सबसे लाइट वाला ब्लू,
अभी मैं यहाँ पे जो प्लास्टिक की चीज़ है वो उसके ऊपर चमक दिखती है वाइट जैसी, तो इसके लिए वाइट जगह छोड़ दी है पेपर की, लेकिन वो पेपर का वाइट नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर हम वाइट मोम कलर से भी कलर करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह, इसको भी बराबर आजू बाजू के हिस्सों में मिलाना है। सभी कलर एक दूसरे में मिलाते वक्त ध्यान से मिलाने हैं, बिल्कुल पट्टी नहीं दिखनी चाहिए, डार्क की पट्टी, लाइट की पट्टी, फिर हल्के लाइट की पट्टी, फिर वाइट की पट्टी, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। एक दूसरे में कलर मिक्स करके प्लेन कलर भरना है। देखो अभी तक बकेट की कड़ी नहीं बनाई है, इस तरह के बकेट को स्टील की कड़ी होती है। ये देखो ऊपर की पट्टी में भी रोशनी का हिस्सा दिखाने के लिए व्हाइट कलर दिया है। ये आप स्केच पेन से भी कर सकते हो और पेंसिल से भी। ये देखिए कड़ी के लिए नाखून से किस तरह कलर निकाल के कड़ी का आकार बनाया है, और कुछ कुछ जगह पे स्टील की कड़ी है इसलिए व्हाइट कलर लगा दिया। इस तरह पहले से आपने कड़ी नहीं बनाई तो भी चलेगा, बाद में इस तरह आप कड़ी बना सकते हो। कड़ी की भी परछाई आएगी बकेट के ऊपर। देखो इस तरह हल्के हाथ से ब्लैक कलर से ही परछाई दिखाई। ये देखो जूम करके आपको पता चलेगा किस तरह कलरिंग किया है। और सबसे जरूरी बात है कि डार्क कलर है, फीका भी है, उससे भी फीका है, लेकिन एक दूसरे में कैसे मिक्स किए हैं आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखो ये लाल कलर डार्क से शुरुआत की है, जिस तरह बकेट में किया था उसी तरह बराबर उल्टी तरफ अंदर करना है। ये भी रेड कलर, उसके बाद ऑरेंज कलर आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह, इसमें भी प्लास्टिक की चीज है ये, तो चमक दिखाने के लिए। ये देखो रिफ्लेक्शन लाइट का जो हिस्सा है, क्योंकि वो बंदा बर्तन के अंदर लाइट जा रहा है तो रिफ्लेक्शन लाइट भी दिखेगा, इसीलिए सबसे आखिर वाला जो हिस्सा है डार्क का उसके पीछे भी थोड़ा लाइट आता है। ये देखो व्हाइट जगह छोड़ी है, उसके ऊपर व्हाइट कलर से रोशनी दिखाई जा रही है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें सबसे पहले ब्लैक कलर कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद उसका जो मेन कलर है बर्तन का वो दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो रिंग बनती है बर्तन के नीचे उसके ऊपर पूरे बर्तन की परछाई आती है, इसीलिए सबसे डार्क हिस्सा बर्तन में हमको वही दिखता है। आप चाहे तो घर पे वो चीज़ सामने रख के देख भी सकते हैं कि उस बर्तन पे सबसे ज़्यादा डार्क हिस्सा आपको कौन सा दिख रहा है। ये देखो एक मग भी इस तरह बन गया। ये देखिए किस तरह एक दूसरे में कलर मिक्स करी की है बराबर से। देखो ये स्टील का बर्तन है, स्टील का ग्लास है, इसीलिए इसमें ग्रे कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। बस अगर आपके पास ग्रे कलर नहीं है तो आप ब्लैक कलर डायरेक्ट पेपर पे लगा के उसके ऊपर व्हाइट कलर पेपर पे ही अप्लाई करके मिक्स करके ग्रे कलर बना सकते हैं। बाद में आप कपड़े से या हाथ से घिस के उसे स्टील की चमक जैसा इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये देखिए जो व्हाइट छोड़ दिया है वहां पे डायरेक्ट व्हाइट कलर आएगा, क्योंकि स्टील का बर्तन है। ठीक है कुछ इस तरह। आप चाहे तो उसे बाद में कपड़े से हल्के हाथ से इसके मिक्स भी कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरह। देखो जिस तरह हमने बाकी बर्तनों में भी किया था इसमें भी उसी तरह अंदर की तरफ उल्टी तरफ रोशनी आएगी। ये देखो ये ग्लास भी स्टील का ग्लास भी बन गया। देखो अभी कटोरी के लिए मैंने हरा कलर चुना है। हरे कलर के तीन कलर, मतलब डार्क वाला, मीडियम वाला और लाइट वाला, और सबसे बीच में
या फिर एक कोने में उसके, जहाँ से हमने सभी बर्तनों पर रोशनी दिखाई है, वहाँ पे व्हाइट कलर बाद में आएगा। याद रखना है, सबसे पहले बर्तन पे आपने जहाँ से रोशनी दिखाई है, बाकी सभी बर्तनों पे आपको वहाँ से ही रोशनी दिखानी है। नहीं तो एक बर्तन पे दाई तरफ से, दूसरे बर्तन पे बाई तरफ से, ऐसा नहीं करना है। देखो, ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप इस तरह पेंसिल या स्केच पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो डार्क का, ऐसा मैंने बताया था, पूरे बर्तन की परछाई उसके ऊपर आती है, इसीलिए ब्लैक से शुरुआत करनी है। ये देखो, यहाँ हाथ से खींच के मैं कलर एक दूसरे में मिक्स कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने ग्लास किए थे, अभी जो ग्लास किया था एक स्टील का, उसी तरह ये दोनों बर्तन भी स्टील के हैं, तो इनका भी कलरिंग उसी तरह होगा। देखो कुछ इस तरह, बहुत छोटी जगह है, छोटा बर्तन है, तो बहुत संभाल के कलर करना है। जल्दबाजी में उसके बाहर कलर भी जा सकता है, तो ये चीज़ आपको बहुत संभाल के करनी है। ये देखा, अभी परछाई का हिस्सा, हर बर्तन के ऊपर हमने जैसे रोशनी दिखाई है, परछाई दिखाई है, वैसे उस बर्तन की परछाई भी नीचे जमीन पे आएगी, तो इसलिए वो बर्तन ऐसा लगना चाहिए कि जमीन पे रखा है। इसीलिए हल्के हाथ से ब्लैक कलर से पहले मोम कलर देना है, फिर उसको कपड़े से घिस के जिस तरफ हमने डार्क कलर दिया है बर्तन को, उस तरफ वो परछाई खींचनी है कपड़े से घिस के। देखो, आप देख रहे होंगे जिस तरफ डार्क किया है बर्तन को, उसी तरफ परछाई दिखाई है, क्योंकि जिस तरफ से रोशनी आ रही है उसी तरफ परछाई कभी भी नहीं आएगी। देखो, उसके बाद जो हमने चार हिस्से सबसे पहले किए थे पेपर के, उसको स्केच पेन से बॉर्डर कर रहा हूं मैं। पूरा होने के बाद अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है, तो जितनी भी लकीरें आपकी पेंसिल की बनी हुई है वो आप इस तरह मिटा सकते। ये अपना फाइनल ड्राइंग इस तरह बन गया, किस तरह साफ सुथरा रखा है। देखो, सिर्फ बर्तनों को कलर दिया हुआ है, आजू बाजू में बिल्कुल कलर नहीं लगाना है, दाग नहीं गिराना है। ये देखिए, एक एक बर्तन आपको यहाँ अभी जूम करके दिखाया जा रहा है, किस तरह बर्तन कलरिंग किए हुए हैं। देखो, ये बन गया अपना फाइनल ड्राइंग। सभी बच्चों को स्टील लाइफ पार्ट टू, मतलब कलरिंग का काम करने के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।